भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। सरकार सकाराई सकाई खालीडों का बंदी पे अपोजिशन की आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो अपोजिशन की आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। या सरकार सकाराई सकाई खालीडों का बंदी पे या सरकार सकाराई सकाई खालीडों का बंदी पे। आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस तरह से सांसदों को निलंबन किया गया था, क्या बताएं? देखिए, ये एक बहुत हिस्टोरिकल सस्पेंशन है जो कि पार्लियामेंट में हुआ है। 141 खासदार लोगों को फ्रॉम बोथ द हाउसेस, लोअर एंड अपर हाउसेस, उनको सस्पेंड कर दिया गया है उनके डिबेट की मांग को लेकर, जो कि बीच में एक न्यूज़ आई थी कि दो लोग गैस लीक कर दिए थे पार्लियामेंट में, उसके बाद दे वॉन्टेड डिस्कशन ऑन इट, तो उनको उस पर डिबेट करने का था, तो उसके लिए उनको सस्पेंशन कर दी, उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। 141 इन टोटल इन दिस विंटर सभा उनको सस्पेंड कर दिया गया है, विच इज़ मतलब इतनी वो आप देखें तो ये एक तरीके से कैसे डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है पार्लियामेंट में, जहाँ पर लॉज बनते हैं, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आगे पीछे आजू बाजू रहकर काम करना पड़ता है, वहाँ पर ये चीज़ हो रही है। आप समझिए, जहाँ पे खासदारों के साथ ये मामला हो रहा है, तो आम इंसान के बारे में आई एम रियली वरिड, आई एम वेरी मच कंसर्न्ड विद द कॉमन पर्सन ऑफ दिस कंट्री। जो खासदार के साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या हो सकता है? आप इस चीज़ के बारे में गौर कीजिए। हम सुप्रिया सुले ताई और उनके साथ जितने भी लोग हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, हम उनके साथ हैं। जो लोकशाही में, जो कंट्री में अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहता है, क्योंकि आम पब्लिक तो जाकर के खासदार से और पार्लियामेंट में जाके सवाल जवाब नहीं करती है, उनके बिहाफ पे उनके अपोजिशन से जो सवाल जवाब करते, वर्किंग ऑफ द पार्टी, जो पावर में है पार्टी, उन पे राइट या रॉन्ग हो रहा है या उनकी वर्किंग को क्वेश्चन करने के लिए अपोजिशन ही चाहिए होता है। अगर आप अपोजिशन को ऐसे निकाल फेंकेंगे, विच मीन्स आपको डेमोक्रेसी से कोई लगाव ही नहीं है, आपको डेमोक्रेसी की कोई कदर ही नहीं है, आपको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, दैट मीन्स आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया कि आप मुझसे सवाल करेंगे, हम आप पे ईडी लगा देंगे, हम आपको टेररिस्ट घोषित कर देंगे, हम आपको सस्पेंड कर देंगे। ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो हम चाहते हैं कि जो MPs को आपने सस्पेंड किया है, उनका आप सस्पेंशन वापस ले और कायदे कानून से हमारी कंट्री को चलाइए, बिकॉज़ हमारे जो भारतीय के लोग, भारत के लोग हैं, वो अपने डेमोक्रेसी से और अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत प्यार करते हैं। निलंबन में एक सांसद को गाली देने से लेकर निलंबन जी, और फिर सिर्फ और सिर्फ आंदोलन तक ही ये मामला रह गया है या फिर आगे अदालतों की भी तैयारी है अपोजिशन? एक्चुअली में यही चीज़ है कि आपने जो बोला कि डेमोक्रेसी, मैंने उस टाइम पे भी जब सांसद में जब भी दानिश जी को गाली दी गई थी, उस टाइम पे भी हमने बहुत बड़ा अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया था, बहुत बड़ा अपना निषेध जाहिर किया था, क्योंकि दुनिया में अच्छाई जब ख़त्म हो जाती है, जब बुरे लोग बढ़ जाते तब नहीं, जब अच्छे लोग बुरे के खिलाफ बोलना बंद कर देते तब अच्छाई ख़त्म हो जाती है दुनिया में से, और जब और तब जुल्म बढ़ जाता है। तो हम जो भारत के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ऐसा दिल में लगता है कि भारत में जो चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है, उसके खिलाफ खड़े रहना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमने हमेशा उठाई, हम आगे भी हमेशा जब जब लगेगा हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, और हम चाहे फिर वो अदालत के जरिए हो या जिस भी जरिए से हो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए।